इंस्पिरेशन से यू नो कि मैंने इस फिल्म को जो बनाया है, इस चीज़ को देखते हुए बनाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मानस जी को देखा है कि उनकी कंडीशन क्या थी, वो किस चीज़ से जूझ रहे थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि HLA-B27 एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये देश दुनिया में है और इसका एलोपैथिक में तो कोई रिजल्ट है नहीं। आप इंजेक्शंस लेके, मेडिसिंस लेके आप उसको रोक सकते हैं, बट यू कैन नॉट ट्रीट। तो जब मैंने मानस जी को देखा है कि जब वो ठीक थे और फिर जब वो 18 मंथ्स बेड पे थे, वो चल नहीं सकते थे, वो उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, तो उस समय में जो एक इन्होंने गूगल किया या गूगल के थ्रू एक केरला का प्लेस है जहाँ पे इस चीज़ को ट्रीट किया जाता है, तो वो उन्हें मिला और वो वहाँ पे गए और वहाँ पे उनको ये चीज़ से इतने अच्छे से ट्रीट किया गया आयुर्वेदा थ्रू कि उनकी वो चीज़ जो एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो ख़त्म हो गया है। और यही हमारा आयुर्वेदा के प्रति प्यार है और हम चाहते हैं कि हमारा आयुर्वेदा जो है वो देश दुनिया में पहुँचे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीमारी के जो पेशेंट्स हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, तो यही हमारी कोशिश रही है इस फिल्म के थ्रू कि हम लोगों को बता सकें, लोगों तक पहुंच सकें, लोगों को ये पता चले कि इसके ऊपर इलाज है। तो ये इलाज जो है वो केरला में है और आयुर्वेदा में 100% रिजल्ट है। जैसे मैंने आपको मानस जी के बारे में बताया कि मानस जी को ये एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLA-B27 हुआ था, तो ये उसमें से उभर के आए हैं। और दूसरी चीज़, हमारे फिल्म के एक्टर हैं गिरीश जी, उनको भी काफ़ी लंबर रीजन में पेन रहता था। जब हम लोग शूट के लिए वहाँ पे गए तो उन्होंने भी वहाँ पे उस चीज़ को अनुभव किया। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया और वहाँ से वो ऑयल भी लेके आए और उन्होंने वो ट्रीटमेंट किया। तो अभी उनका भी जो ऑलमोस्ट 99% पेन जो कहते हैं वो जा चुका है। तो मतलब यही मेरा मकसद रहा है कि ये बीमारी के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें और इसके ऊपर ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में और वो केरला में है, हम ये बता सकें और हर घर में ये फिल्म के माध्यम से पहुंच सकें। इसीलिए हमने आयुर्वेदा के प्रति, ये बीमारियों के प्रति, ये हमारी एक सब ने मिल के आके सपोर्ट किया है, कोशिश की है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचें। और बाकी सब आप लोग हमें हेल्प कर ही रहे हैं कि हम लोग हर घर में, हर जगह पर पहुँचें। तो बाकी गिरीश जी बताएंगे इस बारे में। और I would like to, I can say so many things in English, but I would like to emphasize on Hindi, because मुझे ऐसा लगता है कि 98% लोग हिंदुस्तान में हिंदी बोलना और सुनना पसंद करते हैं। इसकी वजह मैं कहना चाहूँगा कि बचपन से बच्चे के अंदर एक कॉम्प्लेक्स डाला जाता है, हम खुद ही डाल देते हैं कि बच्चे वो देखो वो अंग्रेज़ी जबान बोल रहा है, वो तुमसे आगे निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। इसी तरह के कॉम्प्लेक्सेस हमारे अंदर डाल दिए गए दवाइयों को लेकर कि एलोपैथिक खाओगे, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं मालूम कि भारतवर्ष जिस पर भगवान की असीम कृपा रही है शुरू से, ये आयुर्वेदा हमारे पास था, हमारे पूर्वजों ने, उनमें ये क्वालिटी थी कि दो पत्तियां घिसी और किसी को सुंघा के ठीक कर दिया, जख्म पे मलहम लगाया और ठीक कर दिया। ये कब हमारे से छीन ली गई हमारी ये क्वालिटी, और कब हमारे जहन में, हमारे सिस्टम में, हमारे सोच में अलग तरह की दवाई को घुसेड़ दिया गया, घुसार दिया गया ज़बरदस्ती है जैसे भी, या किसी योजना के तहत, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि हम फिर से अपनी उन क्वालिटीज़ को रिकलेक्ट करें और उनकी असर का, जो उनका असर होता था उसको समझते हुए फिर से अपने जीवन में उसको लेकर आएँ और अपने आप को उसे ठीक करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम ये होगी कि एवरीबडी वॉन्ट्स रिजल्ट इंस्टेंटली, हर आदमी चाहता है कि ये खाया और ये ठीक हो गया और सुपरमैन बन जाऊँ मैं। नो, थोड़ा सा टाइम अगर हम दें, थोड़ा सा गहन विचार करें इस चीज़ पे, तो मुझे लगता है कि आयुर्वेदा से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जिसका जीता जागता सबूत आपके सामने मानस दास बैठे हैं इस फिल्म में, जिन पर ये कहानी, इन्होंने खुद अपनी कहानी को पिरोया है, कथा पटकथा और फिल्म बनाकर आपके सामने रखा है, इसको सिंप्लीफाई किया है, इमोशंस के साथ एक अच्छा मैसेज दिया है, अपनी आप बीती बताई है और मैंने उस किरदार को निभाया है। तो ये जितना उस पेन को समझते हैं उसका 0.1% भी अगर मुझे समझ में आ गया फिल्म में, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ।
मान से यू डब्ल्यू एम में आप रियल लाइफ इंसिडेंट आता है थोड़ा मतलब रियल लाइफ कंडीशन, तो क्या करना चाहिए, कैसे रिसर्च किया, क्या आप समझे कितने ग्रूनेंट भी लोग इस चीज़ को लेकर और क्या आपके पास है अगर कोई फेस करते हैं इस तरह के मरीज को, तो कितना ज़्यादा उनके लिए डिफिकल्टी होता है अराइज करना। रिसर्च अभी शुरू करूँ तो अगर रिसर्च की बात करें तो मैं खुद ही एक एक्सपेरिमेंट हो चुका था और जो बीती मुझे मेरे ऊपर में, तो फिल्म में क्या है कि वो हीरो है आयुर्वेदा और विलेन है डिजीज, तो एक हीरो की जब एंट्री होती है तो वो एंट्री किस तरह से हुई है और एक बड़ी इमोशनल है हंसता खेलता फैमिली ड्रामा, जो एक ट्रैवल था, जो एक जर्नी था, एक अच्छा एक चल रहा था, एक एसोसिएट डायरेक्टर से डेब्यू कर रहे थे और उसके बाद खुद की चल रही थी 3-4 प्रोडक्शंस में और सडनली बीमार डिजीज आई और उसके बाद आगे क्या हुआ वो आदमी के बैक टू बैक जो एक ऑब्स्टेकल्स आता गया फैमिली के साथ में सब, तो ऑब्वियसली क्या जो चीज़ें सारे सपने टूट जाते हैं, तो डिप्रेस था, सब कुछ था, लाइफ क्विट करना ही था, लेकिन वो बोलते हैं ना मारने वाले को बचाने वाले जो बचाते हैं वो उसके हाथ लंबे होते हैं, वो बचाया, रास्ता दिया और मैं पहुंचा उस जगह पे जहाँ पर जहाँ ट्रीट किया मुझे, जहाँ छूके बताया कि आपका डिजीज़ क्या है, मैंने सब यहाँ पर हालांकि मैंने यहाँ काफ़ी टाइम तक मैंने हर जगह भटका, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल ये सर्जन, तो कुछ हुआ नहीं, ग्रेजुअली का फिजियोथेरेपी करते करते ये सारे लॉक हो गए, मैं सब लॉक था, मैं पूरे जॉइंट्स लॉक था, स्टिक बन गया, 35 kg के आसपास मेरा वेट आ चुका था, वॉइस मेरा ख़त्म हो चुका था, हवा निकलती थी सिर्फ और पेन तो पूछिए मत, तो उतर जाता हूँ तो फिर वो आता हूँ ना एक फिर लगता है कि वापस जर्नी करके आ रहा हूँ, फ्लैश में चला गया था, तो उस जगह से जहाँ मैं गुजरा तो उस वक्त मुझे फील आई कि नहीं ये मुझे क्यों दिया ऊपर वाले ने, मैं हमेशा लोगों के कुछ भी हो जाए मैं मेरा जो नेचर है मैं लोगों भले के लिए भागता था बचपन से नहीं चाहते, तो मैं तो शायद जाने देने कुछ तो पाप किया होगा जो मुझे डिजीज़ मिला, जो हम लोग पाप पुण्य की कथा जो हमारे दिमाग में घुसा रहता है, तो अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ नहीं ईश्वर जो बैठा है ना उन्होंने उनका स्क्रीन प्ले कमा लिया, उन्होंने मुझे इसलिए दिया था कि यू आर वेरी इमोशनल पर्सन दैट्स वाई गिव यू दैट डिजीज़ और उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम फिल्म मेकर हो, फिल्म बनाओगे और लोगों तक पहुँचाओगे और आज इस जगह पर आपके सामने बैठे तो लोगों तक पहुँचे और उस जगह पे इनके घर घर तक जाए और ये डिजीज़ के बारे में खासकर इस डिजीज़ के बारे में इसका जिसका इलाज नहीं है साइमल्टेनियस लोगों को आस्था भरे आस्था जुड़े, तो इसके लिए ये बात है बिल्कुल, लेकिन बहुत लोग जो इंडियंस लोग हैं प्रमोट नहीं किए हैं, अगर रामदेव की बात कर लें तो वो काफ़ी उनके बारे में बेसिकली क्या करते हैं। देखिए रामदेव बाबा का जो है वो भी आयुर्वेदा को लेके योगा को लेके, योगा तो उनका तो कमाल है, आज घर घर में योगा उनके जरिए तो गुजर, तो वो भी एक आयुर्वेदा का बहुत बड़ा एक जगह बैठे हुए हैं, एक स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कहते हैं ना कि हर जगह हर चीज़ें जाऊं और रामदेव बाबा खुद ही बोलते कि दवा मैं देता नहीं दवा नहीं मत लिया करो, उनका स्टेटमेंट है अब योगा करो, तो मैं योगा के लायक था नहीं और उनके पास भी कहता है रामदेव बाबा के उनके संस्था जो था हमारे उधर में जहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि इनका दवा तो आप योगा करो लेकिन योगा के लायक तो हूँ नहीं, सारे सिस्ट और जॉइंट लॉक था, तो फिर पहुँचा दूसरे जरिए वो जो मिरेकल्स हुआ केरला। आज किया है, आज मोदी जी ने किया है, उनके जरिए तो आज हर अभी उन्होंने पिछले साल ही अनाउंसमेंट किया था कुछ जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, शायद आई एम करेक्ट है कि हर जगह में एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल खुलना चाहिए, तो खुलेगा और हमारी ये मकसद यही है, हमारा मैसेज है हमारे गवर्नमेंट को कि उसमें गवर्नमेंट में कोई भी बैठे, मैसेज इसलिए कि देश दुनिया के लिए मैसेज है कि ये जो हमारा पाश्चात्य जो संस्कार जो इतनी मजबूत, आज जहाँ पर मैं गया था जहाँ पर केरला में फॉरेनर्स वहाँ से इधर आते हैं वो लोग ठीक होकर चले जाते हैं, हम लोग अपना स्टेटस दिखाते हैं कि यूएस जाता हूँ सो एंड सो कंट्री चला जाता हूँ वहाँ जाके मैंने
इतने लाखों रुपया खर्च किए, उसके बाद मैं इधर आया, क्या किया, सर्जरी करके आया, घुटने निकाल के आया, ये ऑपरेट किया, वट एवर एटसेट्रा एटसेट्रा। कहना गया कि आपका जो शरीर दिया ईश्वर ने, उसमें वो प्लम्बर, वो फिटिंग फिटर, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो देश का जो साइंस है ना, आयुर्वेदा, वो स्ट्रांग है। और आयुर्वेदिक सेंटर्स हर जगह खोलने से नहीं बात बनेगी। हाँ। जितनी लोगों में आयुर्वेदा के प्रति विश्वास जागने के बाद इसका रिजल्ट मिलेगा। हम हर मोहल्ले में चार आयुर्वेदिक डॉक्टर बिठा दें उससे नहीं, पहले लोगों में ये विश्वास जगाना होगा कि हाँ, आयुर्वेदा से हम लोग ठीक हो सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा। जैसे आपने बाबा रामदेव जी की बात की, पहले तो सैल्यूट है उस आदमी को, वो आदमी देशभक्त भी है, सेहत बांटता है, खुशियाँ बांटता है, ज्ञान बांटता है, अच्छी बातें बांटता है। बस उस आदमी ने लोगों के अंदर ये विश्वास पहले क्रिएट किया कि हाँ, तुम 15 मिनट के योगा से ठीक हो सकते हो। वो जो विश्वास लोगों के अंदर आया, तो उसकी उनकी फॉलोइंग बढ़ती गई, फॉलोअर्स बढ़ते गए। लोगों को खुद अपने अंदर जब रिजल्ट्स दिखे, तो वो उनकी दवाइयों की तरफ भी फिर हुए कि जिस आदमी ने हमें योगा से ठीक कर दिया, अगर उसकी औषधि हम लें तो हम और ज़्यादा ठीक हो सकते हैं। इसकी ज़रूरत शायद ज़्यादा है, मुझे लगता है। इसका जवाब मैं थोड़ा सा देना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक इन्होंने इसकी पहली फिल्म, मैं इस ट्रेंड में काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, तो बेसिकली मैंने जब इनको बताया कि इस तरह का है, और उसके साथ में एक चीज़ और बताई कि इसमें देखने तुम्हारा जो पैसा लगा है ना, जो भी लगे एक्स वाई जेड, वो तो उतना कैपिटल तो निकल के आ जाएगा। तो आज सैटेलाइट है, डिजिटल है, आपको पता है, तो वहाँ से वो कवर हो जाता है। लेकिन हमारा जो काम है, जो इसकी भी जो सराहना करता हूँ, जो हमारे दोनों का सेम था, कि हम लोग चलेंगे उस राहों पे कि जिनके पास जगह नहीं है जाने की, जो पैसे नहीं है घर पे, लोग ज़मीन ज़्यादा बेच देते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में कि वहाँ जाके मैं ठीक होकर आ जाऊँ, होता कुछ भी नहीं, तो उन तक कम से कम चाराना खर्चा करके वहाँ पहुँचे। और चाराना अगर नहीं भी रहे उनके पास, जो हमारे पास पैसे प्रॉफिट में कुछ आ गया इन फ्यूचर, हमने देखा नहीं, तो उनके वो लेके जाने का भी खर्चा, वहाँ का इलाज का भी खर्चा, वो हम कर पाए। तो ये हमारा मकसद था, कोई प्रॉफिट कोई ये नहीं है। हाँ, जहाँ तक घर का पैसा लगा है बेचारा, उसने जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, मैं चाहता हूँ वो पैसा घर पे आ जाएगा, तो आ जाएगा। ये तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है आपका, आगे का भी क्या मतलब आपका विजन है प्रोजेक्ट बनाने को लेकर, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप बैकअप करेंगे? कमर्शियल, एक आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया उस बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। जब ये फिल्म मैंने बनाई, तो मैंने कमर्शियल जो उसका आस्पेक्ट है वो मैंने देखा ही नहीं। मेरे मन में, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि ये फिल्म बनाना है और लोगों तक इसको पहुंचाना है, और ये जो बीमारी है इसके बारे में हर एक इंसान को, हर घर में नॉलेज हो कि ऐसी एक बीमारी है जिसमें एलोपैथी कोई काम नहीं करता है, और उसका अगर उपाय है तो वो केरला में है, वहाँ पे आप ठीक हो सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटा मैं आपको अगर बताना चाहूँ, तो मैंने कमर्शियलाइज इसके बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। बस मकसद ये है कि एक सोशल फिल्म है और लोगों को ये पता चले कि ये सब चीज़ें है और इसका इलाज होता है, तो कमर्शलाइज मतलब है ही नहीं, उस एस्पेक्ट से हम लोग देख ही नहीं रहे। बट अगर हमें अगर लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया, आप लोगों ने हमारा साथ दिया लोगों तक पहुंचाने में, तो डेफिनेटली जो भी हमें अच्छा रेवेन्यू आएगा तो हम उसे मुझे हाँ, ये बात मुझे भी याद है, आपने कहा था। हाँ। जब मैंने पूछा था कि इस फिल्म से जो आप कमाएंगे, हाँ। उसका तो आपने कहा था, गिरी जी, मेरी मूढ़ी लगने के बाद जो भी मुझे प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ हिस्सा मैं हमेशा लोगों को आयुर्वेदा को प्रमोशन में, लोगों को अगर जरूरत है इस चीज की, तो उसमें हम लोग उनको वहाँ पे भेजेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हमारा मकसद है। ये मैं तो सबको मैं इनकरेज करता हूँ, इवन मेरे जो जितने फिल्म मेकर फ्रेंड्स है जो सर्कल में, सबको मैं यही बात कहता हूँ, देखो हम जो रहते हैं ना, हम फिल्म बनाते हैं कमर्शियल, अभी भी कमर्शियल फिल्म शूट किया है, तो उसमें ठीक है प्रोड्यूसर पैसा कमाएंगे, मैंने भी पैसा कमाया। इसमें एक्चुअली क्या, हम किए तो देश दुनिया के लिए किए, तो इसमें प्रॉफिट क्या है, मुझे मिलना चाहिए ना, किसी ने किसी कोई पेमेंट की भी डिमांड नहीं की, सब ने सपोर्ट किया, कैमरा मैन से लेकर के कैमरा इक्विपमेंट से लेकर के हर चीज़ ने, हर किसी ने सपोर्ट किया, तो जाके ये फिल्म बनी।
और बनने के बाद मैं ये मैसेज हर किसी को चाहता हूँ कि इस तरह किसी को कुछ जानकारी मालूम रहे, किसी भी जगह होम्योपैथी हो या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर हाँ ये एक आदमी है जो कर लेता है, ये इंसान है जो इसके पास वो विद्या है। अभी मेरे पास क्या है कि जब मैं जो बोला था पहले बोला टच करके बता दिया, अब हर किसी के पास है नहीं है कि टच करके बता दें आपके पास कौन सा डिजीज़ है। या तो MRI में मुझे अंदर था मैं, वो उसके अंदर जो बड़ा डरावना सा माहौल होता है, वो आवाज़ चलती रहती है अंदर में एक डेढ़ घंटा रहना, तो वो सब फीलिंग जो था तो या तो सिर्फ टच करके बता दिया तुमको ये प्रॉब्लम है मैं ठीक कर देता हूँ। तो इस तरह सबको चाहता हूँ कि सब लोग इसमें आए और जुड़े और इस तरह के सब्जेक्ट्स को, इस तरह का जो है आयुर्वेद के प्रति, आयुर्वेद तो बहुत सारा है, बहुत सब्जेक्ट्स है उसके अंदर में। अभी अब तो जब मैं घुसा हूँ इसके अंदर में, अभी लग रहा है कि शायद निदान पार्ट टू करूँ, तो उसमें भी दूसरा कुछ एक लेके आऊँ, क्योंकि कहानियाँ बहुत आई मेरे पास जब ये आयुर्वेद पे घुसा मैं, काफ़ी आश्चर्यचकित जो हमें मालूम नहीं था वो है और है। तो हम अभी कुणाली से वही बात किया कि अभी इसके बाद है ना आगे हम करते रहेंगे, निदान कुछ जो है आयुर्वेद को लेकर चलता रहेगा कभी ना कभी। ये सारे हम जब सारे काम करते हैं, अभी मैं एक मराठी फिल्म किया झोल जल, सॉरी आप इसमें निदान में इसमें नाम प्रमोट कर रहा हूँ, तो उसमें भी जितने एक्टर्स थे वो सारे टेक्नीशियंस थे, वो सब जुड़ चुके हैं। वो दादा मुझे भी वो एड्रेस दीजिए, मैं भी जाना हूँ जा रहा हूँ। और इसके बिगिनिंग से अभी दूसरी भी जो चल रही है आसपास में जितने हैं मेरे मोहल्ले में मेरे आसपास में, जैसे अभी आपसे बात हुई, अभी ऑफ कैमरा में आपके पास भी जाके आपसे भी बात करूँगा कि हाँ ये जगह है आप एड्रेस लेके लगो, कुछ भी होगा भेज दीजिए उनको। तो हाँ सबके घर में स्माइल आ जाए ना, मुस्कुराहट आ जाए, और क्या है दुआएं लगेंगी बस। रिजल्ट है सर, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि रिजल्ट है और हमारा मकसद है, जैसे हम बोल रहे हैं कि देश दुनिया में आयुर्वेदा को जो है विश्वास करें, आयुर्वेदा के ऊपर लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुरातन पद्धति से और पुरातन काल से चलती हुई आई हुई चीज़ें हैं। ऋषि मुनियों ने बताया था, पहले के ज़माने में भी ऑपरेशंस होते थे, है ना, सुश्रुत जी थे जो करते थे, तो मतलब उस ज़माने से चलती आई हुई चीज़ें हैं। बट लोगों ने अभी वेस्टर्न कल्चर को जैसे अडॉप्ट कर लिया है, वैसे ही और एलोपैथी को भी बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं हम, आपने जैसे पूछा कि आप मोदी जी ने जो है आयुर्वेदिक सेंटर्स जो ओपन करने का उनका जो माध्यम है या वो चल रहा है उनका, तो हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक ये सब चीज़ें पहुँचे और हर जगह पे जो है एक वाकई जो नॉलेजेबल पर्सन है आयुर्वेदा के बारे में, वो हर सिटी में हर जगह पे वो एक सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे लोग जाके ट्रीटमेंट कर सके, और तभी जाके शायद मुझे लगता है कि आयुर्वेदा के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और लोग ज़्यादा अनुभव भी कर पाएंगे। सिंप्लीफाई ऐसे करना चाहूँगा कि जैसे एक स्कूल में 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिसमें से 5 कंपलसरी होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ दीजिए, मैं ये कहूँगा कि ये भी एक सब्जेक्ट है ज़िंदगी का, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। सिर्फ स्पोर्ट्स पीरियड्स में अगर हम सिर्फ स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे तो हिस्ट्री रह जाएगी, हिस्ट्री खेलेंगे तो पढ़ेंगे तो साइंस रह जाएगी, तो मैथ्स रह जाएगा, तो हर सब्जेक्ट में जैसे आप ध्यान देते हो इस तरफ भी ध्यान देना शुरू करो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू।